वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की दुआ से यहाँ हम भी अच्छे हैं। और टाइम हो रहा है असीर का और मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तारी। आज थोड़ा जल्दी बना लूँगी क्योंकि रोज़ डेली मुझसे लेट हो जाता है और फिर ऐसा होता है कि मतलब अफ्तार पे तो हम बैठ जाते लेकिन दुआ नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी बैठ रही हूँ। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी खाना बनाने की, तो देखते हैं फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। वैसे मैंने चावल चढ़ा दी थी, यानी कि चावल मैंने पका ली हूँ। अब मैं जा रही अफ्तारी की तैयारी कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती क्या क्या तैयारी कर ली, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टाइम इसी में चला जाता है। और जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। तो मैंने वहाँ बाजू में कढ़ाई रख दी हूँ गरम होने के लिए तेल डाल के, और मैंने चावल दम पे रख दी। और यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही, तो आप लोग को बता देती हूँ मैं। आज मैं बनाऊँगी ये है बटाटे जो मैंने कट करके रख ली हूँ, और यानी कि बटाटे की भजिया बनाऊँगी। और ये मैंने बेसन का घोल बना के रख ली हूँ पहले से, यानी कि बैटर बना के रख ली हूँ। और ये आप लोग को मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। और ये मैं अंडा बना, यानी कि मैंने अंडा बॉईल करके उसे कट करके रख ली हूँ। और आज बनाऊँगी अंडे के पकौड़े, यानी कि अंडे की भजिया, जो भी आप बोल लो, तो ये बनाना है। और ये बाजू में मेरे अक्खे मसूर की दाल बना रही हूँ जो ये भीग रही है, और क्योंकि मैंने बनाना था लेकिन टाइम हो रहा था तो मैं सोची चलो पहले ये बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अक्के मसूर की दाल बना लूँगी। तो मैंने वहाँ पे चावल तो तैयार कर ली हूँ, और साथ ही साथ अभी मुझे रोटी डालना है, वो मैं बाद में डाल लूँगी। तो मुझे रोटी डालना है तो वो मैं बाद में डाल लूँगी। तो गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है, वैसे भी रोज़ा खोलने के बाद डायरेक्टली नहीं खाते, थोड़ा टाइम के बाद खाते हैं, यानी कि ईशा के और अफ्तारी, सॉरी ईशा के नमाज के, सॉरी जो नमाज पढ़ के खाते हम लोग, यानी मैं जल्दी नहीं खाती, ईशा के बाद ही खाती हूँ मैं। और बच्चे लोग जब आते हैं तरावी पढ़ के उसके बाद ही वो लोग खाना खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल दम पे रख दी हूँ और यहाँ मेरा चावल तैयार हो रहा है, आपको बता देती हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना, धुआं भी आ रहा है, दम पे रखी हूँ। और यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो रहा है, मैंने पहले से रेडी करके रख ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इसलिए, और तेल अभी गर्म होने ही वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी भजिया डालती हूँ, जल्दी जल्दी अपने भजिया पकौड़े जो भी मैं बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए यहाँ मैं आ गई हूँ भजिया बनाने के लिए। तो यहाँ अच्छी तरह से तेल गर्म हो गया था, तो मैंने आते साथ ही पहले इसको स्लो कर दी गैस को, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था और मुझे ये डर था कि अब मेरी भजिया बनती कि नहीं बनती अच्छे से, क्योंकि धुआं निकल रहा था। मैं सोची सारी भजिया अभी मेरी जल जाएगी, लेकिन भजिया जली नहीं। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने गैस थोड़ा स्लो कर दी थी ताकि थोड़ा सा तेल हल्का हो जाए, मतलब गर्म ना रहे ज़्यादा, और मैं यहाँ फटाफट अपनी भजिया बना लेती तो शायद बुरता मम्मी बहुत ज़्यादा ही बना रहे, थोड़ी बनाना क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते ना कोई भी इस वजह से। तो मेरा शायद तो बहुत ही कम खाता है, मुश्किल से वो एक दो खा लेगा और बस बोलेगा। अब वो हाँ फ्रूट खाता है शौक से, जब भी रोज़ा खोलता है थोड़ा बहुत फ्रूट खाता है, बाकी का ये भजिया वगैरह बहुत कम खाता है वो, बहुत सलीके से खाने पीने में ध्यान देता है, इतना मतलब ज़्यादा हबड़ हबड़ नहीं खाता पीता वो। तो आज मेरा शाहिद फ्रूट काट रहा था क्योंकि वो घर पे था, मतलब उसको संडे है हाफ डे रहती है इस वजह से वो घर पे था। तो बोले ला मम्मी मैं ही काट लेता फ्रूट, तो बोले हाँ ठीक है बेटा तू ये रेडी कर ले। जैसे कि मैं आपको वैसे भी बता ही रही थी कि मेरा शाहिद ही फ्रूट वगैरह काटता था हमेशा, तो चलिए फिर आज वही कर रहा है। और यहाँ मैं फटाफट अपनी भजिया बना ले रही हूँ, यहाँ मैंने अंडे की भी भजिया बना ली हूँ। और सबा बोरी अम्मी टाइम हो रहा, बोले बेटा कोई टाइम नहीं हो रहा, बराबर में टाइम पे हो जाएगा मेरे। तो बच्चे लोग मुझे पीछे से डराते रहते अम्मी टाइम हो गया टाइम हो गया। तो यहाँ पर मेरे शाहिद ने फटाफट सब कुछ अफ्तारी रेडी कर दिया है, जैसे कि फ्रूट वगैरह काट लिया, लगड़ा वगैरह निकाल लिया है, और यहाँ मैंने भजिया बना दी हूँ। तो यहाँ सब कुछ हम लोग रेडी करके अब लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अब तो चलिए यहाँ पे हमारा अफ्तार का सारा पकाना जो भी था हमने कर लिए पूरा, और जैसे कि अंडे का पकोड़ा और बटाटे का भजिया जो भी था मैंने बना दी हूँ। और शाहिद ने आज फ्रूट वगैरह काट लिया क्योंकि आज शाहिद घर पे था, क्योंकि संडे था, आज संडे को उसका हाफ डे रहता है तो वो घर पे आया था। तो आप लोग को मैंने जैसे कि कल बताई थी कि वही काटता है फ्रूट वगैरह, तो आज वो था घर पे तो उसने काटा है।
और सब रेडी करके अभी ये लोग सब नीचे चले गए, अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो आप लोग को बता देती इतना जल्दी जल्दी करके भी मुझे हो गया है इतना टाइम। तो आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 7:07 का और मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा बैठती हूँ, दुआ वा करती हूँ और चलिए फिर जो कुछ था आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी आइए, मैं आप लोग के लिए भी दुआ करती हूँ और आप लोग मेरे और मेरे बच्चे लोग के लिए भी दुआ करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दस्तरखान पे सारी अफ्तारी रेडी हो चुकी है, अब हम लोग को रोज़ा खोलना है। तो यहाँ हम लोग सब बैठे हैं और माशाल्लाह हमारा बच्चे लोग सब माशाल्लाह सब बच्चे मेरे यहाँ बैठे हैं और मेरा सैब भी बैठा है, आप देख सकते हैं। तो सैब इसके तो चलिए यहाँ हमने रोज़ा खोल लिए हैं और नमाजें भी हो गई हमारी और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो थोड़ा हम लोग रिलैक्स कर रहे थे तो मैंने बोले अपना ब्लॉग एंड मैंने नहीं करी हूँ तो मुझे करना है। तो अभी मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं अफ्तारी मैंने बना ली थी और दाल सॉरी अफ्तारी बना ली थी और चावल बन गया था और रोटी तो मैंने बना ली थी, लेकिन मुझे दाल बनाना बाकी रह गई है तो वो मुझे बनाना है। तो मैंने बोली चलो बना लेती, फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे वीडियो की एंड करना है, मैंने करी ही नहीं थी। तो बस मैं भी उठी, थोड़ा सा आराम कर रही थी उठी और मैं बोली चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ कि अब बताने जैसा कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि अभी पूरे दिन के हम लोग जैसे कि आप लोग को पता है काफ़ी काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके भी पूरा दिन काम रहता, फिर शाम के टाइम अफ्तारी की भाग मतलब जल्दबाजी होती है, उसके बाद भी थोड़ा पढ़ने वढ़ने दोपहर में तो चलो अच्छी बात है मिल जाता है उस टाइम हम पढ़ लेते हैं, हम लोग के घर में सब लोग पढ़ लेते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी दाल बनाने तो बस वही सब मैं मटेरियल बना रही थी वो थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। मैं अक्खी मसूर की दाल बनाने जा रही थी, मैंने बैठी थी यहाँ पे तो वही सब मटेरियल मैं कट कर रही थी, जैसे कि मैंने ये कांदा ले ली, हरी मिर्ची ले ली, कड़ी पत्ता ले ली हूँ और 2 टमाटर ले ली हूँ। ये कांदा तो मैंने अलग से जैसे लाल करके डालते हैं ना उसके लिए, तो तड़का मैं डालती हूँ तो ये कांदा ज़ीरा और अपनी लाल सूखी मिर्ची होती ना उसका डालती हूँ और ये तो अभी भगार में ले लूँगी। तो बस मैं यही कर रही थी, अचानक मुझे याद आ गया था तो मैं आप लोग से मिल रही हूँ। और वहाँ हम लोग की अफ्तारी का सब कुछ ऐसे रखा, आप देख सकते कढ़ाई वगैरह भी ऐसी है, अभी मैंने तेल वगैरह भी कुछ ही नहीं खाली करी हूँ क्योंकि एकदम थक गए थे हम लोग रोज़ा खोल के, ये नमाज वमाज पढ़ के बिल्कुल ऐसे से हो गए थे। अभी हमें हमारी थोड़ी बहुत अफ्तारी भी बची हुई होगी, ये मेरे लड़के ने यानी कि मेरे शाहिद ने लगड़ा लेकर आ गया था क्योंकि मैंने चना और लगड़ा, देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी अफ्तारी बची हुई, जैसे कि अभी ये बटाटे की भी बची हुई है और ये अपना अंडे की बनाई थी वो भी बची हुई। तो बस ऐसे ही ये लोग थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, यानी कि ये लोग खाते ही नहीं है ज़्यादा, बेसन का है ना इसके लिए। और यहाँ पे मैं ये इसलिए मंगाया था पाव शाहिद ने, तो इसके लिए मंगाया था कि लगड़े के साथ खाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे कि बहुत मसाला मसाला लग रहा था वो नहीं खा पाया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई वगैरह सब ऐसी है, अभी मुझे तेल खाली करना है, फिर यहाँ देखो ये सब बर्तन धोने के लिए है और मुझे काफ़ी काम है। चलिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम बाकी है तो पहले मैं वो दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी शायद को भूख लगेगी, सबा को भूख लगेगी तो वो लोग खाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लोग रोज़ा उनको आज ज़्यादा ही लग रहा था, शाहिद को तो नहीं लग रहा था सबा को लग रहा था ना, क्योंकि सबा बुरी थी अम्मी बना ली हो दाल तो बोल देना था, इसका मतलब शायद तो ये है कि घर में रहता है तो थोड़ा जल्दी खाना खा लेता है, अगर काम पे रहता है तो वही इसको 12:30 बज जाते हैं क्योंकि दोनों भाई आते हैं उसके बाद ही वो लोग खाना खाते हैं, और जब ये सब आ जाए यानी दोनों आ जाते हैं तब हम लोग सभी यानी कि हम लोग सब पूरा घर वही 12 बज जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो देखो रमज़ान है तो अभी तो मेरे लड़के लोग लेट ही आया करेंगे, कभी कभी तो 1 बज जाता हम लोग को खाना खाने में, लेकिन वो लोग दोनों हम लोग को बोलते हैं कि अम्मी तुम लोग खा लिया करो, हम लोग को लेट भी होगा हम लोग आके खा लेंगे, मगर क्या करें दिल नहीं मानता ना, तो चलिए कोई बात नहीं खा लिया करेंगे क्योंकि अभी सैफ को तो खिलाना ही पड़ता है तो उसके साथ ही हम लोग खा लिया करेंगे। तो चलिए बहुत सारी बातें होती रहेगी, बातें तो कभी बोलते हैं ना कम नहीं होती बढ़ती रहती, और मेरा खाना पकाने का बहुत टाइम हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी अभी पका लेती हूँ। ये देखिए अभी 8:30 हो गया है, मैं फटाफट बनाती हूँ
और उसके बाद बर्तन घसती हूँ, फिर मैं फारिग हो जाऊँगी। फिर मुझे सुबह का टेंशन नहीं कि शायरी का भी टेंशन रहता है ना, शायरी में क्या करना है क्या बनाना है। तो चलिए मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।